ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਉਖੜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। नरेंद्र तोमर का भी बयान सामने आया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि सारे देश के किसानों की भावनावां का ध्यान दे विच रखदे होया, भावनावां नूं ध्यान दे विच रखदे होया ही सरकार वालों फैसला लिया जाएगा। यानी कि केंद्र की सरकार शायद अणगौलियां करन दे पूरे मूड दे विच उन्हां तमाम किसानों की शहीदियों जिहड़े कि किसान संघर्ष अपनियां जानां गवा बैठे, या फिर वह किसान जो दिन रात हड्ड चीरवी ठंड दे विच मीह च चखड़ च हनेरी दे विच दिल्ली के बॉर्डर के उपर डटे हुए ने, उन्हां दी कोई वड्डी परवाह सरकार नूं फिलहाल विखाई नहीं देंदी। क्योंकि बड़ा सौखा हुंदा है, बड़ा सौखा हो जांदा है केंद्र दे लई एक अगली तरीक दे देना। सूटेड बूटेड मंत्री आंदे ने, गल च मफलर पा के अगली तरीक का ऐलान कर दिता जांदा है। हस के खिड़े मठे मथे जवाब तो जरूर दिते जांदे ने मीडिया के सवालों का। जो मीडिया सवाल पुछदी है जवाब जरूर मिलता है, पर गल्लां उही पुरानियां दोहराईयां जांदियां ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वल्लों कि असी तां वार वार किसानों कह रहे हैं कि तुसी दसो तुहानू प्रॉब्लम की है, तुहानू मुश्किल की है इन्हां खेती बिलों तो। जब रिपील की गल आती है तो केंद्र की सरकार कह दिंदी है कि नहीं, चलो अगली बारी गल करांगे। कितना सौखा हो जाता है अगली तरीक देना, पर शायद अणगौले हो रहे हैं, अणगौलिया किया जा रहा उन्हां तमाम किसानों जो अपनी जान की परवाह किए बिना दिल्ली दी सरहदां के उपर डटे हुए हैं। 8 जनवरी को फिलहाल अगली बैठक होगी। तो हुण तक मीटिंग च की होया, मंत्रियों के अधिकारियों के नाल वक्त तो 30 मिनट बैठक भी चली, किसानों के नाल 30 मिनट की देरी दे नाल अज बैठक करन दे लई पहुंचते विखाई दिते केंद्रीय मंत्री। उधर अंदोलन दौरान शहीद हुए किसानों नूं मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रियों ने भी किसानों के लिए, उन्हां तमाम शहीद हुए किसानों के लिए मौन रखिया जिन्होंने अपनी जानां गवा दित्तियां। कानूनां नूं रद्द ना करन ते सरकार अज भी अड़ी रही। कलॉज़ बाय कलॉज़ चर्चा कर लैंदे आ, हर एक लाइन के उपर असी चर्चा करन नूं तैयार हाँ, यह कहना है केंद्र दी सरकार दा। इस दे नाल ही किसानां दी गल अणगौलियां कीती गई, कानून रद्द करन ते चर्चा दी गल जरूर कीती गई है किसानां वल्लों, पर कानून रद्द ना करन ते अड़ी विखाई दित्ती केंद्र दी सरकार। इस तों बाद तलखी होई, तां तलखी तों बाद बैठक दे विच लंच ब्रेक दा समां आया। लंच ब्रेक दौरान किसानां नूं मनाउण केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश पहुँचते तो जरूर विखाई दिते, पर उस चों निकलना की सी, कुछ भी नहीं निकलिया। लंच ब्रेक तो बाद सरकार ने कानून रद्द करन तो साफ इनकार कर दिता। सोधां दी गल या फिर वक्री कमेटी बनाउण दी गल जरूर दोहराई गई केंद्र दी सरकार वल्लों। किसानां ने बैठक दे विच मौन भी धारण किया, एक घंटे तो वध तक यह मीटिंग रुकी रही, अगे नहीं वध पाई क्योंकि किसानों वल्लों मौन धारण कर लिया गया सी। मंत्री बैठक तो बाहर आए, वक्रे तौर पर आपस दे विच गलबात शुरू की गई। 8 जनवरी नूं अगली तरीक का ऐलान कर दिता गया। भावें नरेंद्र तोमर वालों अज कहा गया कि बड़ी ही वधिया माहौल च हुई बैठक, पर अज दी बैठक 7वें गेड़ दी बैठक बेसिट्टा ही रही। तो किसान इस बैठक दे विच जो रवैया केंद्रीय मंत्रियों का विखाई दिता उस तो काफ़ी उखड़ते भी विखाई दिते, क्योंकि कानून रद्द ना करन ते सरकार हाले भी बजिद है, हाले भी सरकार की अड़ी हुई है। सरकार हाले भी अपनी उस गल के उपर कायम है कि कानून तो रद्द नहीं हो सकते। मेरे नाल डॉक्टर दर्शनपाल ने, उन्होंने गल करते हैं कि रहा बैठक, डॉक्टर साहब अज बैठक दे विच की रहा? अज साडी गलबात है जिहड़ी उह पार्शली सक्सैसफुल सी, पार्शली नहीं सी। 8 तरीक नूं दुबारा मीटिंग रख ली 2 बजे, ते नाल ही पहली बारी मिनिस्टर दे मूँह यह निकलिया कि तुसीं रिपील तो अलावा उरे कुछ नहीं मनन लई तैयार, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। उन्होंने बड़ी क्लीयरली कहा कि असी 40 नुमाइंदे, 450 तो वध जथेबंदियां दे नुमाइंदे हैं, सारिया देश दीआं 450 जथेबंदियां ने जिहड़ियां, इन्हां नूं रिपील तो अलावा कुछ मंजूर नहीं है। इस करके जे तुसीं रिपील दे उत्ते गल करनी है तां कर लो, अदरवाइज असीं गल नहीं करदे। सो उन्हां ने मीटिंग दा 7 ते 8 तरीक चों किहड़ी करनी है, 8 तरीक दा असीं समां दित्ता 2 बजे दा। सिर मैं हुण कहना कि उन्होंने दिमाग दे विच रिपील वाली गल अज चंगी तरह बढ़ी। डॉक्टर साहब तुहानूं लगता है कि किसे तरीके नाल हल निकलदा, क्योंकि सरकार दा अज रवैया जिहड़ा सी निराशजनक सी कितना कितें? मैनूं लगता कि 8 जिन्ना अंदोलन दा दबाव है,
उस दबा ने निर्धारित करना कि जी निकलता हल कि नहीं निकलता। यह दबा मैं लगता इन्ना ज्यादा कि हल जरूर निकलूगा। बिल्कुल बिल्कुल देखो कि एक डॉक्टर दर्शनपाल सन जो कि कह रहे हैं कि सरकार से दबाव है। पहली बार सरकार के दिमाग से गल आई है कि असी रिपील वाल जा सकते हैं। ये तस्वीर जड़िया ने साफ तुहानू असी दिखा रहे हैं बस दियां जिहड़े लीडर ने हुण इत्थों निकल चुके ने। इत्थों निकल के लोग वापसी जिहड़ी है पाते हुए नज़र आ रहे हैं।